पॉजिटिव एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्पीड इधर आप देख सकते हैं कि 108, 110 की स्पीड से चल रही है हमारी ट्रेन। तो मित्रों मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जहाँ से हमारी यात्रा का आरंभ हो रहा है और पीछे का पूरा व्यवस्था है, ट्रैफिक बहुत है। अब हमें अपने अगली यात्रा का आरंभ करने का अवसर मिल रहा है, चलते हैं आगे की ओर। आप ये देख रहे हैं चेन्नई रेलवे स्टेशन का जो कि एक अच्छा बाहर का दृश्य है, भवन दिख रहा है आपको, पुराना आर्किटेक्चर है और चेन्नई सेंट्रल आप देख सकते हैं सब अर्बन टर्मिनल यहाँ लिखा हुआ है और सामने यह रोड है, रोड पर अच्छी खासी भीड़ की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। तो मित्रों भारी भरकम चेकिंग है, परंतु अपन लोग इन चेकिंग की लेवल से ऊपर का है, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। चेकिंग हमारी नहीं हुई, हम लोग वीआईपी मूवमेंट में चल रहे हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिए इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के 11 तक आपको यहाँ से जाना होता है, गेट नंबर यहाँ पर 6 है और इस प्रकार से हमारी यहाँ पर एंट्री हो रही है। चेकिंग भारी संख्या में है और बट हम जैसा कि आपको बताया कि अपन वीआईपी मूवमेंट है और यहाँ पर देखिए 11:50 हो रहा है घड़ी में और यहाँ से इस स्टेशन के इस प्रवेश द्वार से हम स्टेशन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये क्राउड आपको यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है, कम ज़्यादा है ये आप बताइएगा। बहरहाल अभी हम पूरा ट्रेन और प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड कार्पेट बिछा हुआ है क्योंकि आज है हमारा इनॉग्रल जर्नी। इनॉग्रल आज इस हमारी ट्रेन का होगा वंदे भारत, जो कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर के लगी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 है जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर वंदे भारत लगी है और इसी वंदे भारत ट्रेन का आज होगा इनॉग्रल जर्नी, जिसका कि जो ग्रीन फ्लैग है वो स्वयं पीएम मोदी इसको दिखाएंगे। आप यह एक्सक्लूसिव दृश्य देखिए। इस इनॉग्रल जर्नी की अपेक्षा बहुत सारे लोगों को होती क्योंकि ये चेन्नई सेंट्रल टर्मिनस से हमारा वंदे भारत का आज पहली बार इनॉग्रेशन हो रहा है और इस इनॉग्रल जर्नी के जो वंदे भारत लगी है ये भगवा कलर की, अर्थात ऑरेंज वाली हमारी फेवरेट वंदे भारत की न्यू रेकिंग्स हैं। आप देख सकते हैं ब्रेक का यहाँ पर संख्या लिखा हुआ 2429694 और इस ट्रेन नंबर की बात करूँ तो तमिल वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा, बहरहाल ट्रेन नंबर है 026 और 27, अर्थात 026-27 नंबर की 14 कोचेज वाली यह आपको बोगी देखने को वंदे भारत मिल रही है, इसमें कि 14 कोचेज रेक्स लगे हुए हैं। यह एक्सक्लूसिव यात्रा है, जर्नी है, वो लगभग 12:30 बजे चालू होगी और 12 बजने वाले हैं, अर्थात लगभग लगभग आधे से पौन घंटे में पीएम मोदी इस ट्रेन का प्लग ऑफ करेंगे और यह यात्रा हमारी चेन्नई से आरंभ होगी। कुछ इस प्रकार से ट्रेन लगी हुई है, अब अंदर की क्या एक्सपीरियंस होती है वो मैं आपको अब अंदर चल के दिखाता हूँ। तो हमारी एंट्री होती है कुछ इस प्रकार से ट्रेन में और अंदर जो ट्रेन की व्यवस्था है कुछ ऐसी है। एंड फॉर दिस आई लाइक टू थैंक ऑल द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, in whose heart Tamil Nadu lives. मित्र जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इनॉग्रेशन का सेलिब्रेशन है, मंच पर लोगों का जो अधिष्ठान है और इस ट्रेन से जुड़ी हुई जो जानकारी और इससे इनॉग्रेशन को संबोधन जो वाणी है वो उसको वक्तव्य किया जा रहा है और यहाँ पर इस समय चेन्नई भाषा में मतलब तमिल में हो रहा है और मैं आपको यहाँ पर इनॉग्रेशन जर्नी को एक्सक्लूसिव दर्शाने का प्रयास करूँगी। ये है वर्तमान परिस्थिति यहाँ पर मीडिया कर्मियों की और यहाँ पर हमारी ट्रेन जो है आकर के लगी हुई है। इसी के साथ साथ इनॉग्रल जर्नी के आरंभ होने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज 3 वंदे भारत का इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसमें कि एक तमिलनाडु, एक कर्नाटका और एक यूपी। यूपी में मेरठ से लखनऊ, तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल और कर्नाटक में बेंगलुरु से मदुरई तक, ये 3 वंदे भारत का आज इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसके लिए कि मंच पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो मैंने आपको दिखलाया।
और देख सकते हैं आज पूरी की पूरी जो ट्रैक है उसको भी पेंट करके सफ़ेद और जो कलर है रेड से इसको सजा दिया गया। और सामने हमारी वंदे भारत नई नवेली जो है वो आकर के ट्रेन पूरी की पूरी खड़ी है और इसी का आज होगा इनॉग्रल जर्नी। और इस इनॉग्रल जर्नी की एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो अंदर की कैसी क्या जानकारी और कितने, मैं आपको ये भी बता दूँगा 700 किलोमीटर और कुछ 10 घंटे की ऑलमोस्ट यह यात्रा होगी। तो फिलहाल इस प्रकार की अंदर की यात्रा होगी और इस कैसी कुछ जर्नी होगी ये सभी आपको मैं अपने वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। कुछ इस प्रकार से सबसे पहले हमें पानी यानी कि वाटर बॉटल और एक छोटा सा गिलास सप्लाई किया जाता है। तो मित्रों यदि आप देखना चाहें तो हमारे जो वंदे भारत आज साउथ की जो दो इनॉग्रल हो रही है उसकी शेड्यूल जो है कि आपके सामने है कि अभी जो उसकी कमर्शियल रन होंगी कितने बजे से होंगे, 5 बजे से चालू होंगे चेन्नई से और वो नागरकोइल पहुंचेंगी 1:30 बजे, डेढ़ क्या 2:45 बजे पहुंचेंगी। तो ये कुल इसकी अराइवल और डिपार्चर की जो टाइम है और शेड्यूल्स हैं और साथ ही जो बेंगलुरु में और मदुरई की हैं उसका भी लगभग सेम ही टाइम पर स्टार्ट हो रहा है 5:45 बजे और 1 बजे बेंगलुरु कैंट मदुरई से पहुंचेंगे। और जो उनका मैप का जो रूट है आप वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यही रूट से होते हुए पहुंचेंगे और उसका एक यहाँ पर एक छोटा सा बुकलेट दिया गया है आपको जानकारी, और साथ ही साथ जो सेलिएंट फीचर्स हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओ ये देखिए मित्रों 12:56 पर घड़ी देखिए और बाहर देखिए हमारी ट्रेन चल रही है। तो इस प्रकार से ट्रेन चल रही है, जबरदस्त। ये देख लो पूरी मीडिया और यहाँ पर जो ये देख लो फ्लैग ऑफ हो गया है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मेरे सर बैठे अक्षय जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये सौरभ भाई जी सर, थैंक यू। तो मित्रों जैसे कि हमारा थोड़ी देर हुआ अभी ट्रेन जर्नी स्टार्ट हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो लंच है हमारा वो सप्लाई कर दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया। और आप देख सकते हैं इस पर वेलकम ऑन बोर्ड का एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ वंदे भारत एक्सप्रेस फॉर इमीडिएट कंजम्पशन और इसमें है आज का हमारा खाना जिसके साथ एक मिल्की मिस्ट यानी कि दही दिया गया है और ये है खाना। तो कुछ इस प्रकार से खाना है, खाने में क्या है आप देख सकते हैं। सबसे पहले मीठा देख लेते, 2 गुलाब जामुन है, पराठे हैं, रोटी और इधर फ्राइड राइस और साथ में कुछ पापड़ और ये है आपको सब्जी है जिसमें कि छोले दिख रहे हैं आपको, चने दिख रहे हैं जिस सब्जी के साथ आपको ये खाना और साथ में दही। अब करते हैं हम भोजन। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहला स्टॉपेज है और यहाँ पर चेन्नई एगमोर पर हमारी ट्रेन जो कि पहली बार रुकी हुई है और यहाँ पर लोगों की जो देखकर इस ट्रेन को जो उत्सुकता है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी VIP मूवमेंट था वो अब यहाँ से निकलता हुआ और हमारी जो ट्रेन है एगमोर से अब आगे बढ़ेगी। अब अंदर चलते हैं नहीं तो हमारी ट्रेन भी हमें मिस हो सकती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ताम्बरम यहाँ पर स्टेशन आ चुका है और यहाँ पर है इस हमारी वंदे भारत चेन्नई नागरकोइल का ऑफिशियल स्टॉप जहाँ पर हमारी ट्रेन आ चुकी है और इस समय इस स्टेशन से हमारा आपका जो आपको दृश्य दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि ये है ताम्बरम स्टेशन और यहाँ से जितने भी समय मीडिया कर्मी हैं और जो पैसेंजर्स चढ़ना उतरना चाहते हैं वे उतर सकते हैं। बहरहाल स्टॉपेज बहुत कम होता है तो अति शीघ्र जो भी जितना भी हो सके वो करके हमें पुनः अंदर ही जाना बेटर है। भाई यहाँ पर तो जश्न चल रहा था, मिस कर दिया। जश्न चल रहा, भारत माता की जय का जय घोष हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं झंडों के साथ लोग खड़े हैं ताम्बरम स्टेशन से। अब हमारी जो ट्रेन है ये प्रस्थान कर चुकी है। मित्रों
केबिन में आ चुके हैं जहाँ से आपको पूरा दृश्य दिखता है, और यहाँ से आपको ये देख सकते हैं कि बाहर का दृश्य भी दिख रहा है, और साथ में आपको मैं स्पीड की बात करूँ तो 110 की स्पीड से चल रही है। आप देख सकते हैं 110 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, और हमारी जो बाहर की रिजर्वेशन वो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देखिए चेन्नई लोकल है, और साथ में हमारी वंदे भारत ने उसे क्रॉस किया, और ये है पोतेरी स्टेशन को ओवरटेक करते हुए, क्रॉस करते हुए, बाईपास करते हुए अब आप हम आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ के साथ झील का एक सुंदर दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। मित्रों एक और खासियत है इस वंदे भारत का कि जो सीट एग्जीक्यूटिव क्लास में है वो थोड़ी सी रिवॉल्विंग होती है, तो यदि आप इधर उधर जो शिफ्ट होती है इसके विपरीत यदि आप व्यू लेना चाहें तो इस व्यू को देखते हुए अपने सीट को रिवॉल्व करके आप इसके विंडो के फ्रंट में कर लेंगे तो आप मेरे तरह से डायरेक्ट आप जो कि बाहर के जो सीन है, नज़ारे हैं, उसका लुत्फ, उसका आनंद सीधा सीधा डायरेक्टली ले सकते हैं। आपको गर्दन ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मित्रों ये देखिए, ये है आपको शीशे में दिखता हुआ मिरर विंडो में आपको स्पीड और नज़ारा, और साथ में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है स्पीड, इधर आप देख सकते हैं कि 108 110 की स्पीड से चल रही है हमारी ट्रेन, और इस रूट पर ये मैक्सिमम स्पीड है लगभग 110 की, और इस पर इसी गति से हमारी वंदे भारत यात्रा पर अपने ट्रैक पर विचरण करते हुए। तो मित्रों ये देख रहे हैं हमारा जो कि ट्रेन है इस समय विल्लुपुरम स्टॉपेज जो है जंक्शन पर आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेन से रिलेटेड कितनी एक्साइटमेंट में है लोग, और यहाँ के लोग लोकल जितने भी हैं दौड़ भाग रहे हैं, साथ में बहुत सारे लोग इसमें मोबाइल आदि वीडियो भी बना रहे हैं। तो ये है जंक्शन विल्लुपुरम जहाँ पर हमारी नई नवेली जो ट्रेन है इनॉग्रल जर्नी की आई हुई, और यहाँ पर एक स्टॉपेज भी है। तो यहाँ पर जब गेट बंद होना तो उसके पहले अनाउंसमेंट होता है कि यदि आप अंदर बाहर जहाँ पर भी हैं और अंदर आना है ट्रेन में या बाहर जाना है तो आप उसके अकॉर्डिंग बोल लीजिए, क्योंकि ट्रेन बंद हो जाती है, और ये नॉर्मल ट्रेन नहीं है कि आप आराम से खोल के है ट्रेन चल रही हो तो आप आ जाएं और चल जाएं। आप देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, इस ब्लिंक को ध्यान देखिएगा कि ब्लिंक होने का ये अर्थ होता है कि अब गेट बंद होने वाली है, ताकि आप उसके जो सिग्नल्स हैं उसको पढ़ के अंदर बाहर से थोड़े दूर हट जाएं ताकि आपको दिक्कत कठिनाई ना हो। तो इस प्रकार से यह आधुनिकता को यहाँ पर समाया गया है अपनी भारत की वंदे भारत ट्रेन। रही बात मित्रों, अब मैं आपको एक छोटा सा संक्षिप्त में दृश्य दिखला दूं कि यहाँ पर किस प्रकार से वॉशरूम होता है। ये वॉशरूम आपको मैं दिखला रहा हूँ, और ये वॉशरूम ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत ट्रेन चली है, ट्रेन चलने के इतने दूर बाद आने के पश्चात मैं आपको इस वॉशरूम की करंट जो स्थिति है, परिस्थिति है, उससे अवगत करा रहा हूँ। कि सबसे पहले बात देखिए फैसिलिटी है, और ये साफ सफाई है। आपको यहाँ पर इस प्रकार से फ्लैश, और ये जो इंडियन वाला सीट मैं आपको दिखला रहा हूँ वेस्टर्न वाला सामने की ओर है, और यहाँ पर आपको सोप डिस्पेंसर, नल, पूछ बार वाले हैं इसमें ताकि अपने आप बंद हो जाए, और साथ में यहाँ पर आपको हैंड ड्रायर भी इस प्रकार से मिलता है। तो यह भी ये बंद हो जाओ, तो ये सभी कुछ इस प्रकार से सुविधाएं हैं जो आपको कि इस वंदे भारत में देखने को मिलती हैं। तो ये स्पेशल गिफ्ट आप देख रहे हैं, अब आपके सामने ही हम चलती ट्रेन में अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। पुनः हमें फिर से खाने पीने के ही कुछ सामान दिए गए हैं, जिसमें कि आपको चॉकलेट्स, जूस, और अगेन चॉकलेट एंड चॉकलेट एंड चॉकलेट एंड कुछ फिर से स्नैक्स। तो इस प्रकार से देखिए हमें कॉफ़ी सर्व हुआ है, साथ में जो हमारे स्नैक्स हमारे पास था वो अब हम इसके साथ खा सकते हैं। ये जो हमारे को स्नैक्स सर्व हुआ वो है कॉफ़ी चाय, आप जो चाहें आपको मिल सकता है यहाँ पे।
तो मित्रों कैसी लगी यह जानकारी मुझे बताइएगा जरूर। यह एक्सपीरियंस एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मैंने अपने चैनल पर इस ट्रेवल जर्नी को करके फुलफिल करके दिखाने का प्रयास किया है। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी जो दी गई जानकारी इस वीडियो में पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई सुझाव को तो लिखिए कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। महाराज।